लिखेंगे कि नहीं आप सर? इसको आप बंद करिए पहले। लिखते से आप कंप्लेंट लिखेंगे। आप मेरी कृतिका के खिलाफ FIR लिखवाएंगे तीर्थ भैया? जी भाभी, सुमन जी को पूरा हक बनता है कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आप लिखिए सर। शादी का मतलब समझते हो तीर्थ बेटा? गजेंद्र बस, तुझे लगा इस कचरे से तुझे वोट मिलेगा, नेता बनेगा तू, पर इलेक्शन तो तू तब लड़ेगा जब तुझे टिकट मिलेगी, और टिकट तुझे तब मिलेगी जब मैं जाऊंगा। तेरी पॉलिटिक्स खत्म बेटा। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की। फिलहाल एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ऋषि और गुलशन के बीच बेहद हाथापाई होती है, और एंड मोमेंट पर आकर यहाँ पर सुमन ने और तीर्थ ने इस लड़ाई को रोक ली है। और कहानी में हम देख सकते कि भाई किस तरीके से सुमन ने और ऋषि ने मिलकर इस बार गुलशन की इज्जत को बिल्कुल धोबी पछाड़ की तरह धो दिया है। और यहाँ पर भाई हमारी पूर्णा बुआ जो है उनको इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी ज्यादा गुस्से में कि वो अब इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेकर रहेंगी। और वो सभी मोहल्ले वालों के सामने, सुमन तीर्थ के सामने, सबके सामने उन्होंने सीधा सीधा सुमन को धमकी दे दी और कहा है कि भाई इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगी। और बहुत जल्द आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भाई पूर्णा बुआ 110% हमारी सुमन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचेंगी, जिसकी वजह से सुमन को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कहानी में आगे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस बार सुमन ने तीर्थ की सच्चाई भी सबके सामने लाई है, तीर्थ का असली चेहरा भी सबके सामने लाई है, और बताती है वो ऋषि को, सभी लोगों को, किस तरीके से तीर्थ ने उसे पैसे दिए अपने मुंह को बंद करने के लिए और सच्चाई को दबाने के लिए। और वो बताती है कि भाई आखिर है तो ये पॉलिटिशियन ही, हर उन पॉलिटिशियन के जैसा ही है जो अपने बारे में सोचते हैं, और तीर्थ भी ठीक वैसा ही है। और वो ऋषि की आंखों पर से पर्दा हटाती है और कहती है कि तुम जिसे अपना गुरु मानते हो, सपोर्टर मानते हो, अपना भाई मानते हो, उसी भाई ने तुम्हारे मुझे पैसा दिया, मेरी माँ की जान की बोली लगाई, मेरी माँ की जान की कीमत लगाई, मेरी कीमत लगाई। और ये सब सुनकर कहीं ना कहीं ऋषि को भी बेहद बुरा लगता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस बार हमारी सुमन ने पुलिस वालों को बुला लिया है, और यहाँ पर कृतिका भी मौजूद है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से इस बार हमारी सुमन जो है वो कृतिका को जेल भिजवा देगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अब तीर्थ क्या करने वाला है, क्या तीर्थ सुमन के साथ देगा या फिर तीर्थ अपनी कृतिका को जेल से बाहर निकालेगा।